इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ के ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक के दूसरे चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के एनसीईआरटी क्वेश्चंस और आंसर्स को समझेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और उसका आंसर क्या होगा इसे देखेंगे, तो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में चार ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला क्वेश्चन है, अ लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन थ्री साइड्स इज रेफर्ड टू एज, यानी एक ऐसा लैंड मास जो तीन तरफ से सी से घिरा हो उसे क्या कहेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पेनिनसुला। सी के किनारे के लैंड को हम कोस्ट कहते हैं और जो लैंड चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसे आइलैंड कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के माउंटेन रेंजेस जो म्यांमार की सीमा बनाते हैं को क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हमें पेज नंबर 11 के लास्ट पैराग्राफ में मिलेगा, जहां यह लिखा है पूर्वांचल इंडिया के ईस्टर्न बाउंड्री को कवर करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पूर्वांचल होगा। तीसरा क्वेश्चन है, वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप जो गोवा के साउथ में है उसे क्या कहते हैं। इसका आंसर हमें पेज नंबर 14 के चौथे पैराग्राफ में मिलेगा, जहां लिखा है वेस्टर्न कोस्ट का नॉर्दर्न पार्ट कोंकण है जो मुंबई और गोवा के एरिया को कवर करता है, उसके ठीक नीचे यानी साउथ में कन्नड़ प्लेन्स है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, कन्नड़ होगा। चौथे क्वेश्चन में हमें ईस्टर्न घाट्स के हाईएस्ट पीक को चूज करना है। इस क्वेश्चन का आंसर हमें पेज नंबर 13 के सेकंड लास्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा, जहां यह साफ साफ लिखा है कि महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, महेंद्रगिरी होगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में, जिसमें 6 शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। पहले क्वेश्चन में टेक्टोनिक प्लेट्स को डिफाइन करना है। इस क्वेश्चन का आंसर हम पेज नंबर 7 के लास्ट पैराग्राफ और फिगर से पता कर सकते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स कन्वेक्शनल करंट के द्वारा अलग हुए अर्थ क्रस्ट और अपर मेंटल के बड़े बड़े टुकड़े हैं। दूसरा क्वेश्चन, आज के कौन से कॉन्टिनेंट्स गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करते थे। इसका आंसर हमें पेज नंबर 8 के दूसरे पैराग्राफ में मिल जाएगा, जहां यह लिखा है साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, पार्ट ऑफ एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट्स गोंडवाना लैंड के पार्ट थे। तीसरे क्वेश्चन में भावर क्या है यह पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 12 के सेकंड लास्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा। भावर नॉर्दर्न प्लेन्स में नैरो बेल्ट है जो पेबल से ढका है। यह रीजन शिवालिक के फुटहिल्स में लाई करता है जो इंडस से टिस्टा रिवर तक फैला है। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पर, जहां हिमालयन माउंटेन के 3 लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन का नाम बताने को कहा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हमें पेज नंबर 9 और 11 के द हिमालयन माउंटेन्स वाले टॉपिक में मिल जाएगा। पहला डिवीजन है हिमाद्री, जिसे हम ग्रेट या इनर हिमालय भी कहते हैं। दूसरा डिवीजन है हिमाचल, जिसे हम मिडिल हिमालय भी कहते हैं। और तीसरा डिवीजन है शिवालिक, जिसे आउटर हिमालय भी कहते हैं। पांचवें क्वेश्चन में पूछा गया है कि अरावली और विंध्यन रेंजेस के बीच में कौन सा प्लेट्यू है। इसका आंसर हमें पेज नंबर 13 में दिए गए द पेनिनसुलर प्लेट्यू वाले टॉपिक के पहले पैराग्राफ में मिल जाएगा। इसका सही आंसर है मालवा प्लेट्यू। छठे क्वेश्चन में उस ग्रुप ऑफ आइलैंड का नाम बताने को कहा गया है जो कोरल से बना है। इस क्वेश्चन का आंसर हमें पेज नंबर 14 के लास्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा, जहां बताया गया है कि लक्षद्वीप आइलैंड कोरल से बना है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, जिसमें 3 डिफरेंस बिटवीन के क्वेश्चंस हैं। पहले क्वेश्चन में हमें कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच डिफरेंस बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर हमें पेज नंबर 7 के लास्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा। जब टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के करीब आते हैं तब वे कन्वर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स कहलाते हैं, वहीं जब वे एक दूसरे से दूर जाते हैं तब वे डाइवर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स कहलाते हैं। एक दूसरे के पास आने के सिचुएशन में कभी कभी वे एक दूसरे से टकराते हैं और टूटते हैं,
एक दूसरे से दूर जाने के सिचुएशन में वे एक दूसरे से टकराते या टूटते नहीं हैं। कन्वर्जिंग प्लेट से फोल्ड होता है तो वहीं डाइवर्जिंग प्लेट से क्रस्ट में फ्रैक्चर्स क्रिएट होते हैं। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, जहां हमें भांगर और खादर में डिफरेंस बताना है। ये दोनों नॉर्दर्न प्लेन्स के रीजन्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हमें पेज नंबर 12 के सेकंड लास्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा। भांगर रीजन ओल्डर अलूवियम से बना है तो दूसरी और खादर का फॉर्मेशन न्यूअर अलूवियम से हुआ है। भांगर के रीजन ज्यादा फर्टाइल नहीं होते हैं, वहीं खादर के रीजन ज्यादा फर्टाइल होते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हमें वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में डिफरेंस बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर हमें पेज नंबर 13 में मिल जाएगा। वेस्टर्न घाट्स डेक्कन प्लेट्यू के वेस्टर्न एजेस को मार्क करता है तो ईस्टर्न घाट्स डेक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न एजेस को मार्क करता है। वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यूअस है तो ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यूअस है। वेस्टर्न घाट्स की ऊंचाई ईस्टर्न घाट से अधिक है। वेस्टर्न घाट्स में बारिश समर में होती है और ईस्टर्न घाट्स में बारिश विंटर में होती है। वेस्टर्न घाट्स का सॉइल ईस्टर्न घाट्स के सॉइल से ज्यादा फर्टाइल होती है। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पर, जिसमें हमें हिमालयन माउंटेन के फॉर्मेशन को बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर हमें पेज नंबर 8 के सेकंड पैराग्राफ में मिल जाएगा। एक समय में अर्थ क्रस्ट एक सिंगल लैंडमास था जिसका नाम पैंगिया था। कन्वेक्शनल करेंट के कारण पैंगिया कई भागों में बट गया, जिससे अंगारा लैंड और गुंडवाना लैंड बना। अंगारा लैंड यूरेशियन लैंडमास था। फिर कन्वेक्शनल करेंट के कारण इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट का सेपरेशन गुंडवाना लैंड से हुआ और इंडो ऑस्ट्रियन नॉर्थ की ओर खींचता गया और यूरेशियन प्लेट से जा टकराया। इस टकराव से जो भी सेडिमेंट्री रॉक्स टेथ्स नामक जियोसिंक्लीन में थे वे फोल्ड हुए और वेस्टर्न एशिया के माउंटेन सिस्टम और हिमालयन माउंटेन सिस्टम का फॉर्मेशन किया। पांचवा क्वेश्चन दो पार्ट में है। पहले पार्ट में हमें मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया को बताने को कहा गया है। दूसरे पार्ट में हिमालयन रीजन और पेनिनसुलर प्लेट्यू के बीच में डिफरेंस बताने को कहा गया है। पहले क्वेश्चन का आंसर हमें पेज नंबर 9 में दिए गए मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स वाले टॉपिक में मिल जाएगा। द हिमालयन माउंटेन, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स और द आईलैंड्स, ये 6 इंडिया के मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं। दूसरे पार्ट का आंसर हमें पेज नंबर 9 से लेकर 11 जिसमें हिमालयन माउंटेन का टॉपिक दिया गया है और पेज नंबर 13 जिसमें पेनिनसुलर प्लेट्यू का टॉपिक दिया गया है में से निकालना होगा। हिमालयन रीजन यंग फुल माउंटेन का क्षेत्र है, वहीं पेनिनसुलर प्लेट्यू ओल्डेस्ट लैंडमास है जो कभी गुंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। हिमालयन रीजन में ऊंचे ऊंचे पर्वत और डीप वैलीज हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू में ब्रॉड और शैलो वैलीज और राउंडेड हिल्स हैं। हिमालयन रीजन सेडिमेंट्री रॉक से बना है और पेनिनसुलर प्लेट्यू इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना है। हिमालयन माउंटेन से बहुत सारे पेरिनियल रिवर्स निकलते हैं तो वहीं पेनिनसुलर प्लेट्यू की तरफ बहुत सारी सीजनल रिवर हैं जिनमें बारिश का पानी रहता है। जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हिमालयन रीजन एक अनस्टेबल जोन है जिनमें चेंजेस आते रहते हैं, तो दूसरी ओर पेनिनसुलर प्लेट्यू एक स्टेबल जोन है। छठे क्वेश्चन में नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया के बारे में बताने को कहा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हमें पेज नंबर 12 के नॉर्दर्न प्लेन्स वाले टॉपिक में मिल जाएगा। नॉर्दर्न प्लेन्स एक फर्टाइल रीजन है जो कि डेंसली पॉपुलेटेड है। रिलीफ फीचर्स के वेरिएशंस के अनुसार नॉर्दर्न प्लेन्स 4 पार्ट में डिवाइडेड है, भावर, तराई, भांगर और खादर। सातवें क्वेश्चन में 3 शॉर्ट नोट्स लिखना है। पहला शॉर्ट नोट्स लिखना है इंडियन डेजर्ट पर, यह हमें मिल जाएगा पेज नंबर 14 के इंडियन डेजर्ट वाले टॉपिक में। अरावली हिल्स के वेस्टर्न मार्जिन से इंडियन डेजर्ट की शुरुआत होती है। यह सूखा क्षेत्र है, यहाँ बारिश कम होती है। लूनी रिवर यहाँ की इकलौती बड़ी नदी है। दूसरा नोट्स लिखना है सेंट्रल हाईलैंड्स पर, यह हमें मिल जाएगा पेज नंबर 13 के पेनिनसुलर प्लेट्यू वाले टॉपिक में। सेंट्रल हाईलैंड्स पेनिनसुलर प्लेट्यू का वह पार्ट है जो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है। इसके साउथ में विंध्यन रेंज है और नॉर्थ वेस्ट में अरावली रेंज है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन इस एरिया की नदियां हैं। इस हाईलैंड्स के नॉर्थ वेस्ट में छोटा नागपुर प्लेट्यू है।
आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया पर तीसरा नोट लिखना है, यह हमें मिल जाएगा पेज नंबर 14 और 15 के द आइलैंड वाले टॉपिक में। इंडिया में दो ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं, लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान निकोबार आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड्स बहुत सारे आइलैंड ग्रुप का समूह है जो कोरल डिपॉजिट से बना है। कवरत्ती इस आइलैंड ग्रुप का हेडक्वार्टर है। दूसरा ग्रुप है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स जो ज्यादा नंबर में है। तो हमने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के क्वेश्चन और आंसर्स को देखा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।